नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 2N3773 ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग का। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी ट्रांजिस्टर हो और कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर हो, तो सब ट्रांजिस्टरों की थ्योरी लगभग एक ही होती है, NPN है या PNP है, बट इसमें रीडिंग अलग अलग आती है। यह हमारी पॉजिटिव नेगेटिव लीड है, इससे रीडिंग अलग अलग आती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 2N3773 ट्रांजिस्टर को डिजिटल मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखाना। तो दोस्तों, ये जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं 2N3773, ये हमारे ऑडियो एम्पलीफायर में लगाए जाते हैं, और दोस्तों इसकी जगह 2N3055 ट्रांजिस्टर भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं 2N3773। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर का आपको सिंबल बना के दिखा देता हूँ, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर का एक सिंबल है, और ये जो हमारा एरो है, ये एरो बाहर की साइड में है, और ये वाली जो हमारी लैग है, ये हमारी बेस है, और ये हमारी कलेक्टर है। तो हम इसे तीन चीज से प्रदर्शित करते हैं, बेस, कलेक्टर, एमिटर। तो देखिए, जिस पर ये यहाँ पर एरो है, ये एमिटर है, ये सी कलेक्टर है, और ये बेस है। तो ये वाला जो हमारा सिंबल है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, और NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है। तो दोस्तों, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, और अब मैं आपको ये दिखा देता हूं इसमें कैसे टेस्ट करेंगे। ये हमारा हिस्सा, ये बड़े वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है, और ये छोटे वाला ऊपर रखना है, और ये हमारी दो लैग हुई, ये दो हमारी जो लैग है, ये बेस और एमिटर है, और इसकी जो बॉडी है वो कलेक्टर है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला, ये हमारी ये बेस है, तो बेस ये वाला हुआ, और एमिटर ये वाला हुआ, और बॉडी इसकी कलेक्टर हुई। इसकी बॉडी पर सप्लाई होती है, पॉजिटिव सप्लाई होती है, एमिटर इसका ग्राउंड में जाता है, बेस से हम इसकी स्विचिंग करते हैं। तो ये इसका एक प्रिंसिपल फंडा हुआ। तो हमारा 2N3055 हो या 2N3773 हो, ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम ही है, थोड़ी इसकी करंट अलग होती है। 2N3773 की करंट ज़्यादा है, 3055 के जो ट्रांजिस्टर है उसकी करंट थोड़ी सी कम है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको ये बताया कि हम इसको कैसे टेस्ट करते हैं, एक बार और बता देता हूँ। इसको बड़े हिस्से को अपनी तरफ रखना है, और इस टाइप से करना है, ये हमारा बेस हुआ, ये कलेक्टर हुआ, और ये हमारा एमिटर हुआ। तो इस टाइप से इसकी हम मार्किंग कर सकते हैं, बेस, कलेक्टर, एमिटर की। और ये देखिए दोस्तों, इसके बाद हम डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे। जब आपके पास कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर होगा, तो हम इसको यहाँ पर डायोड में, ये देखिए डायोड का सिंबल है, तो डायोड में हम इसको यहाँ सेट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ इसको ऐसे रखें, ऐसे रखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड वाली पॉजिटिव लीड से चेक करेंगे। यहाँ इस टाइप से आप पॉजिटिव लीड से चेक करें, देखिए ये कुछ रीडिंग आई, और अब यहाँ यहाँ भी एक रीडिंग आई। देखिए दोस्तों, ये हमारा रेड, ये रेड जो लीड है बेस पे रखी हुई है, बेस पे रखा हमने, उसकी जो ड्रॉप आई है 0.498। अब मैं इसको बेस से सेट करता हूँ। दोस्तों, ये रेड वाली लीड है जो, ये हमारी पॉजिटिव है, और हम इसको बेस पे रखते हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले ये ऐसे चेक किया कलेक्टर पर, तो 0.498 आई। अब हम इसको ब्लैक को एमिटर पर रखते हैं, यहाँ से ये एमिटर पर रखा, ये आया हमारा 0.501। अब ये हमारी टेस्टिंग हो गई, इसमें नंबरिंग आई, नंबरिंग सही है। यदि नंबरिंग इसकी उल्टी सीधी आती है, कुछ कम आती है, तो हमारा ट्रांजिस्टर तब भी खराब होता है, या हमारे इस टाइप से शॉर्टिंग आए, तब हमारा ट्रांजिस्टर खराब है, कि अंदर से ये शॉर्ट हो गया है। अब हम इसकी लीड चेंज कर लेते हैं। ये हमारा
निगेटिव है, निगेटिव लीड है ब्लैक वाली। अब यहाँ देखिए कोई रीडिंग नहीं आई। अब ये रीडिंग हम इसके एमीटर पर देखते हैं, एमीटर पर भी नहीं आई। तो ये ब्लैक वाली लीड हमने बेस पे रखी और ये वाली रेड इसके कलेक्टर पर और ये एमीटर पर, कोई रीडिंग नहीं आई। तो दोस्तों इस टाइप से यदि रीडिंग नहीं आती और एक साइड में रीडिंग आती है, एक साइड में रीडिंग नहीं आती, तो हमारा ट्रांजिस्टर सही है, अच्छी वर्किंग करेगा और ये ट्रांजिस्टर हम अपने ऑडियो एम्पलीफायर में, पावर सप्लाई में लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका ऑडियो और पावर एम्पलीफायर में यूज करते हैं। तो दोस्तों के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।